अब आगे हम इसमें बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ़ लोकसभा एंड राज्यसभा देखो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा क्या होती है देखो सबसे तो पहले लोकसभा की देखें लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं जैसे मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स ठीक है और जो बिल होता है जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और आफ्टर पासिस ऑफ मनी विल इन लोकसभा इट इज़ सेंड टू राज्यसभा ठीक है अब राज्यसभा की बात करें राज्यसभा जो मनी बिल होता है वो लोकसभा को भेज सकता है चौदह दिन के भीतर भीतर विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन ठीक है अगर राज्यसभा उसको रिटर्न नहीं कर सकता है चौदह चौदह दिन के भीतर अगर राज्यसभा उसको रिटर्न नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि जो मनी बिल है वो राजसभा में भी पास हो हो चुका है राज्यसभा ने उसको पास कर दिया ठीक है यही लिखा है इसमें अगर अमेंडमेंट के साथ अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट भेजता है लोकसभा में तो लोकसभा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उसको मानती है नहीं मानती है। मनी बिल के केस में ठीक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ठीक है वो किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ठीक है चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो वो दोनों हाउस से पास होता है ठीक है अब प्रसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं नीचे डिस्कस करेंगे हम ठीक है जैसे प्रसाइडिंग ऑफिसर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिर इसके आगे ये बात करेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मान लो प्रसाइडिंग ऑफिसर दो होते हैं एक तो लोकसभा का, का होता है एक राज्यसभा का होता है लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वह एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का प्रसाइडिंग ऑफिसर की बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा एंड ही प्रसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड में ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड इंटरप्रेट द रूल प्रोसीजर ऑफ फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस देशन ऑफ बूथ द हाउसेज एंड दूल अथॉरिटी टू डिसाइड इफ अ बिल इज मनी विल और नॉट ठीक है स्पीकर क्या करता है जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको चेयर करता है सोल अथॉरिटी डिसाइड अ बिल इज मनी विद ऑन नॉट तो मनी बिल है या नहीं है तो ये डिसाइड कौन करेगा स्पीकर करता है नाउ इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ऑर्डिनरी बिल अगर ऑर्डिनरी uh, बिल के केस में अगर डिसएग्रीमेंट होता है ठीक है देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑफ बोथ द हाउसेस आर्टिकल 108 वेयर डेडलॉक आर रिजॉल्व बाय द मेजॉरिटी ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ठीक है जो जॉइंट है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा प्रिसाइड की जा सकती absence, sabha, absence, sabha, है इन एज एबसेंस द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन एज एबसेंस द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वॉट एवर द केस में ज्वाइंट चिटिंग की बात करें वन जीरो एट में दिया गया है एंड कैन नॉट टेक प्लेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट और द मनी मिल तो ज्वाइंट सिटिंग दो कंडीशन में नहीं हो सकती पहला अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ठीक है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत या फिर मनी वेल है तो उन दोनों ही केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है ठीक है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन टेक प्लेस ओनली लोकसभा और डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है अब हम आते हैं द पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा में देखते हैं ए रिजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा क्योंकि राज्यसभा का ऑफिशियल चेयरमैन होता है इसलिए वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है ठीक है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की अगर बात करें तो देखो पार्लियामेंट के सेशन तीन होते हैं तीन बार होते हैं फरवरी से मई में, में जून से जुलाई में और नवंबर से दिसंबर अब सेप्टेम्बर अक्टूबर का बीच में जो महीना होता है अक्टूबर और जून जून एंड अक्टूबर दो होते हैं एक होता है जून एक होता है अक्टूबर जे ओ जून एंड अक्टूबर जो उसमें रिसेस होता है ठीक है तो सबसे पहले फरवरी और मई का उसे बजट सेशन बोलते हैं जुलाई सेप्टेम्बर का मानसून सेशन होता है नवंबर दिसंबर का विंटर सेशन होता है ठीक है नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन दोरोगेशन एडजोर्मेंट प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन ऑफ हाउस देखो एडजोरमेंट क्या होता है ये एक सस्पेंशन होता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस फॉर आर्स डेज और दिस अंडर द सीज़न सीज़न के अंडर ही एडजोरमेंट होता है प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करना है कुछ घंटों के लिए दिनों के लिए हफ्तों के लिए वो होता है एडजोरमेंट प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है ये सेशन का टर्मिनेशन होता है सेशन का क्या होता है टर्मिनेशन होता है प्रोरोगेशन क्या होता है सेशन का टर्मिनेशन होता है ठीक है टर्मिनेशन <coughs> होता है शीशन का ऑफ द हाउस एंड दिस कैन बी डन इवन व्हेन द हाउस इज एडजॉर्न ठीक है अगर हाउस एड है ठीक है तब भी ये हो सकता है ठीक है अब रिजोल्यूशन देख लेते हैं ये कब होता है दिस एंड्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा जनरल इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड फॉर द न्यू हाउस ऑफ आफ्टर डिजोल्यूशन रिजोल्यूशन के बाद जब हाउस का टेंडर हो जाता है तो उसको इलेक्शन है, होते हैं है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर मान लो स्पीकर है या राज्यसभा में हो रहा है तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है ठीक है प्रोरोगेशन जो है दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बेसिस पर यह होता है प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड्स इन केस एंड तो प्रेसिडेंट क्या करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेज मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल ठीक है लोकसभा में जब बहुमत उनका गिर जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि आप डिजॉल्व कर दो हाउस को ठीक है नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बजट प्रोसेस वो नेक्स्ट लेक्चर में